Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdullah Sindeed. I am a student of Bizotoji. Aap Muslim hain? Yes. Kya naam bataya apne apna? Abdullah Sindeed. Ji. Doctor saab se mera ye sawal tha ki ye community se related hai LGBTQ gays part jo iska hai. Islam mein isko prohibited kiya gaya aur ye bahut sin hai. Doctor saab ka maine pehle bhi iske upar bayan suna hua hai. डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें, जो इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं वो इस्लाम या मेडिकल के थ्रू इससे बाहर कैसे आए। भाई का सवाल है एलजीबीटी के बारे में, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी क्यू, क्यू इज क्योर क्वेश्चन मार्क प्लस अदर्स, ये पूरा फॉर्म बढ़ते गया। तो जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं वो बाहर कैसे आएंगे? सबसे बेहतरीन इलाज है उनको कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुरान मजीद हिदायत की किताब है, और अगर आप पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में जो किस्से हैं, कई बार ये जो एलजीबीटी होता है ये माशरे की वजह से होता है। नो वन, इट इज नॉट जेनेटिक, जो कहते हैं जेनेटिक वो गलत कहते हैं। ये जिस तरीके से हमारा माशरा है, हम देखते फयाश कितना है, कितनी ऑप्शनिटी है, ऑप्शनिटी होने की वजह से इंसान समझता है कुछ और दूसरा करेंगे, तो इतना आम हो जाता है कुछ अलग करने के वजह से वो एलजीबीटी बन जाते। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कुरान में जो हिजाब की हिदायत है वो सबसे अहम है, किस तरीके से हर इंसान चाहे मर्द या औरत हो वो अगर हिजाब को इख्तियार करेंगे तो चांसेस कम है। और इसके ऊपर कुछ किताब भी लिखी गई है, कुछ मुसलमानों ने इस पे किताब लिखी गई है, आप अगर गूगल करेंगे, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, आप गूगल करेंगे एलजीबीटी रिगार्डिंग इस्लाम, आपको शायद मिल जाएगा। तो ये जो किताबें जो रिसर्च करके जिसमें कुरान मजीद और हदीस का जिक्र करके लोग को हिदायत जाती किस तरीके से वो इससे दूर हो सके। और जो हम मुसलमान हैं, अगर कोई शख्स देखते हैं कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है और वो एलजीबीटी बन जाता है, हमें हिकमत से उसके साथ पेश आना चाहिए। हमारा इरादा होना चाहिए कि उसको दीन की तरफ ले आए, ना कि उसको झड़काए। अगर उसको झड़काएंगे तो वो दीन से और दूर हो जाएंगे। तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए और उसको सही रास्ते पे लेके आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में लेस्बियनिज्म अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कौन उसमें पेनेट्रेट कर लगता है, जिसे आपने कहा वो उसमें उस दंदल में फंस जाता है, तो हमारा काम है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, उसको अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। हिकमत से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। जज़ाकअल्लाह।